अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम यम ज़रीना बेगम है। मैं आंध्र प्रदेश उर्दू अहमदी स्कूल के उर्दू मुदर्रिस हूँ। आज हम ऑनलाइन क्लासेस, पिछली जमात में हम ऑनलाइन क्लास शुरू करे थे, जो सबक जहाँ गहरा था वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे। नात था हमारा पहली नज़म हमारी नात थी। नात के बाद हम इसे क्या करेंगे, हम नात पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह, आप ज़रूर सुनिए। तमाम बच्चों से कह रही हूँ मैं, और से सुनिए। तो हम नात पढ़ेंगे। वो नबियों में रहमत लहब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासद का जीरो जबर करने वाला, खबाइल को शीरो शक्कर करने वाला, उतर कर हीरा से सोए खौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, अल्लाह ताला नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, और उनको अल्लाह ताला रहमत लखब पाने वाले कह रहे हैं। तो क्या है, हमारे प्यारे नबी रहमत लखब पाने वाले हैं, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, सबकी मुरादें पूरी करने वाले, यानी हर एक की मदद करने वाले, गरीबों की, अपने नहीं पराए नहीं, मुसीबत में जब कोई उनसे सलाह मशवरा करते हैं तो अच्छी राय देते हैं, फकीर मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, जब कोई मुसीबत में होते हैं तो हर एक की मदद करते हैं, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने नहीं पराए नहीं हर किसी के गम में बराबर शरीक होते थे, और उनको दीनी रास्ते से बराबर ले जाकर उनको उनकी मुसीबतें उनकी तकलीफें दूर करते थे। फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, फकीर नहीं ज़ईफ नहीं हर किसी की मदद करते। हमारे प्यारे नबी ऐसा तरीका बताते कि वो आसानी से, मुश्किल नहीं बल्कि आसानी से वो मसला हल हो जाता। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, यतीमों की मदद करते थे, गुलामों की मदद करते थे। इसलिए हमारे प्यारे नबी, जब भी हम कोई नेक रास्ता चलना चाहेंगे हमारे प्यारे नबी के तरीके के ऊपर चलना चाहिए। खताकार से दरगुजर करने वाला, जब कोई गलती करे तो क्या करें, हमारे प्यारे नबी आसानी से उसे माफ कर देते हैं और दीन के रास्ते पर चलने की राह दिखाते हैं। बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, ये हर कोई चाह रहे, हमारे प्यारे नबी ऐसे हैं कि हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, हर एक के दिल में घर करने वाले हैं। मफासद को जीरो जिबर करने वाला, जब कोई बद राह जा रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो उनको क्या है, सीधा रास्ता बताने वाले हैं हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खबाइल को शीर शक्कर करने वाला, हर एक कबीले को मिलजुल कर रहने की राय भी देते हैं। उतर कर हीरा से सोए हम आया, जब हम वाले ने नहीं मान रहे हैं तो क्या करें, ऐसा नुस्खा, नुस्खा मतलब क्या है, नुस्खा यानी वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद में क्या करें, बता रहे कि अल्लाह ताला ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्या है, अल्लाह ताला जो आसमान से उतारे गई कुरान मजीद है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हम नेक रास्ते पर चलें। तो नेक्स्ट इसके वास्ते क्या करूँ मैं, तुम लोगों के वास्ते सवालत दे रहा हूँ। क्या देखो बच्चों, सवालत देखो, इतनी सवालत तुम लोग नोट कर लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों और से सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है? दूसरा सवाल, मुरादें बर लाने से क्या मुराद है? मुरादें बर लाने से क्या मुराद है? आप तीसरा सवाल, आप किन बातों को कब और क्यों दरगुजर करते हैं? ये सब कौन से सवाल आते हैं, ये सोच कर आप जवाब देना है। चौथा सवाल, जेरो जबर करने से क्या मुराद है? जब मैं तुम्हारे साथ, जब मैं
नाद पढ़ रही हूँ, तो तुम लोग क्या करना है, ये नाद पढ़ने के साथ दिमागों में खुद ब खुद जहन में क्या जाना है, ये तमाम सवाल की जवाब खुद ब खुद आ जाना। नेक्स्ट देखो, और एक है दूसरा नंबर दो है, देखो, मिस हाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे हरनों से था जहल छाया, पलटती बस एक आन में इसकी काया, रहा डर न बेड़े को मोजे बना का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, के है जात वाहिद इबादत के लायक, जुबा और दिल की शहादत के लायक, इसी के है फरमा इताअत के लायक, इसी की है सरकार खिदमत के लायक, लगाओ तो लो इससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर इसके आगे झुकाओ। देखो प्यारे बच्चों, इस अशआर को क्या करूं मैं तुम लोगों को समझने के वास्ते एक एक मिसरे के साथ मैं तुम लोगों को समझाऊंगी। मिस खान को जिसने कुंदन बनाया, देखो हम क्या है, एक कुमार है, कुमार क्या कर रहा, मट्टी का ढेपा रख लेके बैठा, जब उसे एक शक्ल देता है, एक शक्ल देता है तो एक रूप मिलता है, जैसे एक हंडी है तो हंडी है, या नहीं तो एक ग्लास, मिट्टी की एक छोटी सी कठोरी बोलेंगे, एक ग्लास बोलेंगे, इसे शक्ल देता है। ऐसे ही अल्लाह ताला क्या है, हम जब दुनिया में आए तो हम कुछ भी नहीं मांग कि जिंदगी कैसे गुजारे। पहले जमाने में क्या था, बहुत से नबी आए, उस जमाने में बहुत से नबी आए, दीन इस्लाम के वास्ते बहुत कोशिशें करें, मगर क्या है, थोड़े लोग इस्लाम कबूल कर लिए, थोड़े लोग इस्लाम नहीं कबूल करे। जब हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, तो बहुत से लोग क्या है, दीन बहुत सारा फैला। तो मतलब क्या है, हम क्या थे उस वक्त, कुछ भी नहीं मानता उस जमाने में, जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, नहीं एक के बाद एक, नहीं बड़ों के साथ क्या है, इस्लाम फैलता गया, और खरा और खोटा अलग कर दिखाया, नहीं गलती क्या है सही क्या है बताए हमारे प्यारे नबी, नहीं अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो बताने के क्या है, वो गलत है, नहीं अलग कर दिखाए, नहीं ये सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, दुनिया में बताए। अगर हम नेक रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा है, ये रास्ता नेकी का रास्ता जाता है। अरब जिस पे हरनों से था जहल छाया, पहले जमाने में अरब में क्या था, काबतुल्ला में क्या है, पहले जमाने में क्या था, जब काबे में लोगों को दीन की तालीम नहीं थी तो वो लोग क्या करते थे, अय्याशी करते थे, शराब पीते थे, बुतों की पूजा करते थे, तो उस वक्त क्या करे, हमारे प्यारे ने भी आगे पूरा बदला दिए, पलटती बस एक आन में इसकी काया, मतलब इससे क्या है, जैसे ही हमारे प्यारे ने भी आने के बाद दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, रहा डर न बेड़े को मोजे बलाता, सिर्फ डरना है तो किससे डरना है, अल्लाह से डरना है, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, नहीं एक जगह नहीं, हमारे प्यारे नबी सारे आलम में, सारी दुनिया में, नहीं दुनिया के हर कोने में जाकर क्या है, दीन के वास्ते अपने सारी जिंदगी, अपना सारा वक्त सिर्फ अल्लाह की बंदगी में गुजारते थे, लोगों को नेक रास्ते के बनाने के लिए क्या करते थे, तबलीग जमातें भी बराबर ये करते थे। कि है जात वाहिद इबादत के लाए, क्या समझे हमको, सिर्फ एक ही खुदा है, हम एक ही खुदा को मानना है, जबान और दिल की शहादत के लाए, हमें जबान से भी क्या करना है, हमें अल्लाह को क्या करना है, जो भी मांगना है हमें अल्लाह से मांगना है, इसी के है फरमा इताअत के लाए, इसी के फरमा बरदा है, फरमा बरदा मतलब क्या, अल्लाह को कुछ मानना, अल्लाह की बातों को कुछ मानना, हमारे प्यारे नबी के नेक तरीके पर ही चलना है, इसी की सरकारी खिदमत के लाए, अगर हमें खिदमत कर रहे हैं तो सिर्फ क्या है, अल्लाह को ही हमें अपना सारा वक्त हमारे दीनी जिंदगी में गुजारना है, लगाओ तो लो इससे अपनी लगाओ, अगर तुम चाहना है तो खुदा को चाहो, अगर हम खुदा को चाहेंगे तो हम अपने रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा, झुकाओ तो सर इसके आगे झुकाओ, अगर हम सर झुकाना है किसी के आगे नहीं झुकाना, सिर्फ अल्लाह के आगे हमें सर झुकाना है। इस वास्ते क्या है, तुम लोगों सोच कर इसकी जवाब दीजिए, इसके वास्ते मैं क्या करूँ, आप लोगों के वास्ते एक सवाल रखूँ, खरे और खोटे की तमीज किस तरह करोगे, खरे और खोटे की तमीज किस तरह करोगे, काया पलटना को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, दूसरा सवाल क्या है, काया पलटना को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तीसरा सवाल, अल्लाह की फरमा बरदारी हमारे लिए क्यों जरूरी है, अल्लाह की फरमा बरदारी
हमारे लिए क्यों जरूरी है? चौथा सवाल देखो, खुदा के आगे सर झुकाने से क्या मुराद है? चौथा सवाल, खुदा के आगे सर झुकाने से क्या मुराद है? तो प्यारे बच्चों, ये तमाम सवाल क्या है, ये तमाम सवाल क्या है, पूरा अच्छे तरीके से अगर हम नजम पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद हमको इसके जवाब मिल जाएंगे, अगर आप खुद अच्छे तरीके से समझना है। मगर तीसरा हिस्सा देखो, यहाँ इस किताब में यहाँ हमको मदीने की निशानी दी गई है, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की निशानी हमको दी गई है। आप बगौर मुताला देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये क्या है, ये मदीने की तस्वीर है, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम का यहाँ पर रोज़ा अत्थर है। अच्छा, तो तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे, इसी पर हमेशा देखो और से सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये नात का तीसरा हिस्सा है, इसी पर हमेशा भरोसा करो तुम, इसी के सदा इश्क का दम भरो तुम, इसी के गजब से डरो गर डरो तुम, इसी की तलब में मरो जब मरो तुम, मेरा है शिरकत से इसकी खुदाई, नहीं इसके आगे किसी को बढ़ाई, वो बिजली का कड़का था या सूते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, नहीं एक लगन जिस दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सूती बस्ती जगा दी, उड़ा हर तरफ गल ये पैगाम हक से, के गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, मैं क्या करूँ, तुम लोगों को ये नज़म जो मैं पढ़ी, तीसरा हिस्सा नात का, इसके बारे में क्या करूँगी मैं, तुम्हारे को एक एक मिसरे के साथ तुम लोगों को मैं फिर समझाऊंगी, गौर फरमाएंगी, गौर से सुनिए और अच्छा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, इसी पर हमेशा भरोसा करो, हमें किसके पर भरोसा करना है, सिर्फ अल्लाह के पर भरोसा करना है, नहीं जो भी हमें चाह रहे वो नहीं होता, जो हमें चाह रहे वो नहीं होता, सिर्फ हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं मगर करने वाली जात अल्लाह की है, इसी पर हमेशा भरोसा करना है, अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा करना है, इसी के सदा इश्क दम भरो तुम, हमें अल्लाह को चाहना, हर चीज खुदा करने वाला है। देखो सुबह हो रही है, कोई कर रहे क्या, सूरज अपने वक्त पे आ रहा है, कोई ला रहे क्या, चांद अपने वक्त पे आ रहा है, कोई ला रहे क्या, नहीं ये सब अल्लाह की मर्जी है। परिंदे अपने अपने, जैसे सुबह हो जाती है, सूरज निकलता है, परिंदे क्या करेंगे, अपने घोंसलों से निकलकर खुदा की तलाश में करेंगे, ये सब कुछ होने वाला कैसा है, ये सब भी मौसम है। देखो गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बरसात का मौसम है, मौसमों में तब्दीली है, मौसमों के साथ साथ हम लोग फिर क्या करें, इसके मजा भी ले रही, फलों का मौसमों का मजा ले रही, बरसात पड़ी तो खुशी, तमाम बच्चे खुश हो जाते, गर्मी है तो क्या करते, ठंडे ठंडे जूस पीते, नहीं अच्छे अच्छे आम खाते, आम फलों का राजा है, आम खाते, ये सब क्या है, ये सब खुदा की मर्जी है, ये सब क्या है, अल्लाह करने वाला है, हम कुछ भी नहीं, सिर्फ इंसान कोशिश करता है, इंसान क्या है, कठपुतली है अल्लाह के हाथ में, हमारे क्या है, हमारे डोर अल्लाह के हाथ में है, जब तक अल्लाह ताला जिंदगी दिया हमें जीते हैं, हम जैसे ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है अल्लाह के पास चले जाते हैं, मतलब क्या है, हम जो भी करें अल्लाह करने वाला है, इसी के गजब से डरोगे डरो तुम, अल्लाह से डरना है, जब भी कोई काम कर रहा तो कोई नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा, नहीं रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, अल्लाह क्या है, भूख है ना, प्यास है ना, नींद, अल्लाह हर वक्त जगता रहता है, सब अल्लाह हमको दिया खाने के लिए, आराम हमारे वास्ते से रखे, अल्लाह क्या है, सारा निजाम देखो, दिन के वक्त क्या है, इंसान खत्म हो जाते हैं, रात के वक्त खत्म हो जाते हैं, बच्चा जब पैदा हो रहा तो दिन में पैदा होता, रात में, ये सब निजाम चल रहा है, किसकी वजह से, खुदा की मर्जी से, नहीं इसी के वास्ते क्या है, जब भी कोई गलती करे कोई देख रहा नहीं, अल्लाह देख रहा। रमजान का महीना है, जब हम रोजे रखते हैं चुपके जाकर पानी पी सकते, नहीं नहीं पीते, कहीं को नहीं पीते, अल्लाह का डर दिल में, नहीं अल्लाह देख रहा है, स्वास्थ्य क्या है, हर चीज में, सिर्फ रमजान में नहीं, हर जिंदगी में, जब भी रहते हमें कुछ भी गलती करने से पहले अल्लाह से डरो, नहीं स्वास्थ्य क्या है, हम अल्लाह से डरना, इसी की तलब में मरो जब मरो, नहीं एक ही अल्लाह को मानना हमें, एक ही खुदा को मानना हमें, नहीं स्वास्थ्य क्या है, जब हमें मर रहे तभी हमारी जबान पर कलमा शहादत तस्वीर, हमारे तभी कैसा मरना, हमें हमारा कलमा शहादत नसीब होना, नहीं हमारी जब भी हम मौत आएगी तो अल्लाह से हम दुआ करना,
अल्लाह हम आप ऐसी मौत दे जिस तब हम जब मरने से पहले हमको कलमा शहादत नसीब हो, ऐसी दुआ मांगना है। हमने मरना ही तभी हमें कैसे मरेंगे, अल्लाह को याद करते हुए। मेरा है शिरकत से इसकी खुदाई, सब कुछ खुदा करने वाला है, कुछ नहीं हमारे हाथ में, कुछ नहीं, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। नहीं इसके आगे किसी को बड़ाई, कोई बड़ा नहीं, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, सब कुछ करने वाला अल्लाह है, हम कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। वो बिजली का कड़का था या सूदे हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला। मतलब इसका क्या है, इस अशार का मतलब है अल्लाह ताला ने जैसे बिजली कड़क के चले जाती है, इसी तरह हमारे प्यारे नबी क्या करें दुनिया में भेजे, ने कैसे अरब की जमीन को बदलाने का। मतलब उस जमाने में क्या था, काबतुल्ला ने काबा शरीफ में क्या है, लोग ऐसे थे कि काबे के करीब बैठकर बुतों की पूजा करते थे, शराब पीते थे। ऐसे हालत में अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजे। नहीं एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। तो सीखा है हमारे प्यारे नबी मुस्तफा सल्लम जिंदगी कैसे जीना, अल्लाह एक है, अल्लाह कुछ मानना है। नहीं इनकी सौंप के दिलों में वो जमाने में क्या है, कदीम जमाने में अल्लाह को मानना, अल्लाह एक ही है, वो क्या करे सबके दिलों में अल्लाह का पैगाम पहुंचा कर नेक रास्ते। अगर हम अल्लाह के नेक रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला क्या है हमको जन्नत नसीब करेंगे। अगर हमें दुनिया में जन्नत चाहे तो आखिरत में क्या होती है, दोज़ख़, जहन्नम होती है। उस वास्ते क्या है दुनिया में जैसे ही अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जैसे गुजारी हमें वैसे तरीके पर चलना है। अगर हम वैसी जिंदगी से दूसरी जिंदगी अगर जिएंगे तो हम कौन सा रास्ता ले जाएगा, जहन्नम का रास्ता जाएंगे। उस वास्ते क्या है हम मुसलमान हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम तमाम क्या हैं मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। उसके सबसे बड़े अव्वल अव्वल क्या है वो सबसे बड़ा ये हक क्या है अल्लाह ताला हमको दिया है मुसलमान के घर में पैदा हुए। अल्लाह की बहुत बड़ी मर्जी है कि हम क्या हैं एक मुसलमान होने के नाते हमारे प्यारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रहे हैं। नहीं एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। सारे आलम में अल्लाह ताला ने पैगाम भेजे कि हम क्या हैं नेक रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला हमको जन्नत देगा। नहीं क्या बोले हमारे प्यारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बताए। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रास्ता नहीं बताते, नेकी का रास्ता नहीं बताते तो हम लोग सब कैसे हो जाते, काफिर बन जाते है नी, हम सब काफिर बन जाते। अगर काफिर की जिंदगी जीने से क्या है कुछ भी नहीं हो, बेकार जिंदगी। सबसे क्या है अल्लाह ताला अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमारे प्यारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने से, हमारे नेक रास्ता बताने से हम क्या है नेक जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह हमारे ऊपर जैसे साए की जैसा है। उड़ा हर तरफ गल ये पैगाम से कि गूंज उठे दश्तो जबल में नाम से, कि हर तरफ क्या है नहीं यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी मुस्तफा सल्लम आखिरी दम तक भी क्या करें, सिर्फ अपनी जिंदगी सिर्फ उम्मत के वास्ते गुजार दें। हमारे प्यारे नबी मुस्तफा सल्लम का जब आखिरी वक्त था तो उस वक्त भी क्या बोले अल्लाह ताला से कि मेरी उम्मत का क्या होगा। देखो अल्लाह ताला कैसी दुआ करे, कैसे सवाल करे हमारे प्यारे नबी ने अपनी तमाम जिंदगी जिंदा रहने तक भी और आखिरी दम तक भी किसका ख्याल कर रहे हो, अपनी उम्मत का ही ख्याल कर रहे हो। अच्छा तो प्यारे बच्चों ये सोचिए बोलिए में जो सवालत आपसे पूछी गई थी, मैं नेक्स्ट आपको तुम्हारे को वही अशार को मैं क्या करूंगी फिर और तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या करूँ खुलासा पढ़ने से क्या है तुम्हारे पूरे पूरे तौर पर ये नाप के पूरे अशार का मतलब समझ में आ जाएगा। पहले पन में शायर कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। देखो प्यारे नबी मुस्तफा सल्लम को अल्लाह ताला क्या वास्ते भेजे, सारे दुनिया के वास्ते रहमत बनाकर भेजे ताकि इन जहां वालों को नाउम्मीद को खुशी से भर दें, अपने पराए के गमखार बनकर रंज आलम से नजात दिलाए। मतलब क्या है इसका कि खुशी ने अल्लाह से उम्मीद रखो। देखो काम अच्छा काम करना, नमाज पढ़ना छोड़ नहीं नेकी कर दरिया देगा। मतलब क्या है इसका नेकी कर दरिया देगा, नमाज पढ़ना छोड़ जाएगा। इसका सब देने वाले कौन है अल्लाह ताला, इसका सब कौन देने वाले हैं, सब हिसाब रखने वाले अल्लाह ताला। देखो हम जब नेकी करते हैं तो राई के बराबर भी हमें नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला हमको बराबर उसका सौ मिलेगा। राई के बराबर भी हम क्या करें गलती करेंगे तो उसका बराबर उसकी गलती की उसकी सजा मिलेगी। स्वास्थ्य क्या है हमें
जहां तक हो सके झूठ से, चोरी से, बुरे कामों से बचना है, नेक जिंदगी गुजारना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफों की मलजा मावा हैं, गुलामों के मशफ़ महबा आखा हैं, गरीबों फ़कीरों को आसरा देने वाले हैं, नातवा कमज़ोरों को राहत और सुकून देने वाले। देखो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों को आसरा देने वाले हैं, फ़कीरों को आसरा देने वाले, नातवा कमज़ोर राहत सुकून सब देख कुछ करने वाले कौन थे उस जमाने में, बताने वाले कौन थे, नेक रास्ता बताने वाले हमारे प्यारे नबी थे। दूसरे बंद में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकारों को माफ़ करने वालों में से हैं। जब कोई उस जमाने जब कोई गलती करते थे तो आहिस्ता से समझा करने, ऐसे जैसे मस्के में से बाल निकालते तो कैसा अलग होता है कि ऐसा आसानी से उनको तकलीफ नहीं सर का समझा कर नेकी के रास्ते पर लाते थे। अहले मक्का व अहल ताफ ने आपके साथ जालिमाना सफाकाना रवैया अपनाया। तो अहले मक्के में ताफ नाम का एक शहर था, तो उस वक्त उस सरदारा उस जमाने के बादशाह सरदारा जो थे, हमारे प्यारे नबी जब दीन इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो उस सरदारों ने इनकी बात ही नहीं सुनी, ना हमारे प्यारे नबी की बात ही नहीं सुनी, जैसा क्या करे उन लोगों के प्यारे नबी के पीछे बदमाशों को लगा दी। नहीं वो बदमाश भी इतना बुरा सुलूक करे कि हमारे प्यारे नबी के ने कसते पुकारते पत्थरों से मारते, यहाँ तक के जिस्म पूरा क्या हो गया, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम का लहू लवान हो गया। तो वहां से बचते बचाते प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम क्या करते हैं, एक बाग में जाकर बैठ जाते हैं। और जब उस वक्त अल्लाह ताला आसमान से सब नज़ारा करते रहते हैं, जब दो पहाड़ के दो फरिश्तों को भेजते हमारे प्यारे नबी के वास्ते एक पैगाम भेजते कि अगर तुम चाहो तो अगर तुम चाहो तो ताफ के दोनों पहाड़ों को मिलाकर उन दोनों कबीलों के लोगों को ख़त्म कर दे। तो वो बात सुनने के वो पैगाम लेकर जब फरिश्ते लेकर आते हैं तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम से फरमाते हैं, तो हमारे प्यारे नबी कितना प्यारा जवाब देते हैं, सुनिए। तो उस वक्त क्या कहते हैं हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लम, नहीं अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ये उम्मत नहीं तो इनमें आने वाली उम्मत, इंशाल्लाह इनमें आने वाली उम्मत बराबर अल्लाह को याद करने वाली बनेंगी, नेक बनेंगे कहते हैं। फतह मक्का के दिन ने अपना मगर फतह मक्के के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया। जब फतह मक्का फतह हो गया, तमाम पूरा हो गया, नहीं कंप्लीट हो गया, तो उस वक्त क्या करें, हिदायत के लिए दुआ फरमाएं। तो सोब के वास्ते अल्लाह ताला क्या करें, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम अल्लाह इस उम्मत के लिए नेक जिंदगी गुजारने के वास्ते क्या करे कहते हमारे प्यारे नबी दुआ। अच्छा, तो प्यारे बच्चों दूसरे पद में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकारों को माफ़ करने वालों में से, जब गलती करते थे लोग तो क्या करते हैं हमारे प्यारे नबी माफ़ करके उनके नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते थे। अहले मक्का व अहल ताइफ ने आपके साथ जालिमाना सफाकाना रवैया अपनाया। तो इससे पहले मैं कह रही थी नहीं, ताइफ के जो सरदार थे उस वक्त हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए गए, तो क्या करे वो लोग हमारे प्यारे नबी को उनके पीछे दुश्मन लगा दिए ताकि वो यहाँ से चले जाए और दीन ना फैले। मगर देखो अल्लाह की मर्जी है, देखो उस तवाफ में आज ऐसा दीन फैला है कि वो क्या है, इसकी वजह से हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम जब दुआ करे थे तो उसी वजह से आज तवाफ में क्या है इतना दीन फैला है कि आज अगर दीन है तो वहाँ बहुत ज़्यादा होगा, आज भी हमें याद करते हैं। तो किसकी वजह से है, वो हमारे प्यारे नबी की दुआ की वजह से। तो आज भी हम नेक रास्ते पर चलें तो हमारे नबी की दुआ। इस वास्ते क्या है, हमें नेक रास्ते पर चलना है। जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के महीने की कदर करना है, रोज़े रखना, ज़कात देना, नहीं ये सब भी क्या है हमारे को, ये सब हम करने से क्या है हमारे दिली सुकून मिलता है और हम क्या है नेक बन जाते हैं। मगर फतह मक्के के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया और हिदायत के लिए दुआ फरमाई। देखो अल्लाह ताला की मर्जी, देखो अल्लाह ताला की मर्जी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतने दुश्मन थे सताते थे तो उस वक्त क्या करें हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम सबको माफ़ कर दिए। दुश्मन थे सताए, इतना सताए कि जिस्म के ऊपर खून आता, पत्थर से मारते थे, गालियां देते थे, फिर भी हमारे प्यारे नबी सब्र करे कि आने वाली नस्ल जो है इंशाअल्लाह अल्लाह को मानने वाली होंगी, दीन के रास्ते पर चलेंगी। इस वास्ते क्या है इनकी नहीं हमारे नबी की दुआ की वजह से अगर हम अच्छे हैं, नेक हैं, दुआ कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं,
रमजान के रोजे रहते हैं मृतक, किसकी वजह से हुआ? हमारे प्यारे नबी के तरीके पर रहने और प्यारे नबी की वजह से हम क्या करें, आज हमें अच्छे ही दीन तारे दीन की तरफ इस्लाम की तरफ अगर ही हमें आज अल्लाह का डर है दिल में तो किसकी वजह से है? हमारे प्यारे नबी की वजह से। तो और एक देखो इसके बाद नेक्स्ट, सलाम इस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। देखो हमारे प्यारे नबी क्या करे, गालियां दिए मारे तो भी क्या करे हमारे प्यारे नबी, उनको दुआ दिए। देखो आज के जमाने में कौन तो भी जरा एक बच्चा भी अगर क्या तो बोला तो क्या होता, पर क्या होती बच्चे कैसा बोलते बोलते, मगर वो जमाने में हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम गालियां सुनकर दुआएं देते, कितना बड़ा दिल था हमारे प्यारे नबी का, अल्लाह उन्हें कितना सबर दिया है। हाँ तो देखो प्यारे बच्चों, अगर दीन फैला तो दुआएं गालियां सुनकर भी दुआएं दिए तो कैसा, देखो कितना सबर हमारे ने अल्लाह ताला उन्हें कितना सबर, मगर इतना सबर करे हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम, उसी की वजह से आज हमें क्या ही आज हमें नेक बन रहे, अच्छे ही नेक रास्ते पर चल रहे। तो हमारे प्यारे नबी के तरीके पर हमें चलने से क्या है, हमें आज हमें दीन इस्लाम के ऊपर जाना। इस तरह जो शख्स आपकी ज़ात मुबारक के तरह से कीना कपट रखता था अपने अखलाक हुस्ना के जरिए इसके दिल में जगह बना ले। तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम अपने कीना कपट दिल में नहीं रखते थे, अखलाक हुस्ना उनके अखलाक इतने अच्छे थे कि बच्चे ने बूढ़े ने जवान ने हर एक से अच्छे तरीके से पेश आते थे, इसी अखलाक हुस्ना की वजह से हर एक के दिल में जगह बना। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में एक औरत कचरा डाल दी। देखो एक अच्छा किस्सा है, आप अगर गौर से सुने तो और अच्छा रहता। देखो प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जब हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम सहजर की नमाज के वक्त जाते थे तो एक औरत क्या करती थी, कचरा उनके सर के ऊपर डाल देती थी। बदमाश थी देखो, नहीं एक औरत क्या करती, औरत कचरा कचरा डालती थी। एक दिन वो बीमार हुई तो रोज हर रोज जाते थे तो कचरा बराबर डालते थे, तो एक दिन क्या हुआ वो औरत क्या हुई, बीमार हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इयादत के लिए इसके घर तशरीफ ले गए। तो आप प्यारे नबी मुस्तफा ये क्या आज क्यों आई नहीं औरत, नहीं रोजाना का मामूली था, ऐसे सताते थे लोग हमारे प्यारे नबी नमाज को जाते ऊपर से कचरा बराबर लेकर ठहरती थी और वक्त से बराबर उनके सर के ऊपर कचरा डालती थी। तो क्या हुआ हमारे प्यारे नबी, देखो कितना बड़ा दिल है हमारे प्यारे नबी का कि कचरा क्यों डाले नहीं है, कोई तो ऐसा सोचते क्या बोलो, जब गलत काम हो रहा तो अच्छा गलत हो गया नेक हो गया अच्छा काम हो गया बोलते, मगर हमारे प्यारे नबी जब उनसे उनके ऊपर कचरा डाल रही वो गलत काम था, मगर फिर भी क्या करें हमारे प्यारे नबी क्यों औरत नहीं कचरा डालने की, क्यों क्या करें मालूम करें ये आदत के लिए इसे घर तशरीफ ले जाते हैं। तो क्या करते हैं हमारे प्यारे नबी खुद उसके घर जाते और जल्द तशरीफ ले गए और जल्द सेहत याबी की दुआ फरमाए। तो उस औरत की क्या हो जाती, उस औरत की तबीयत खराब हो रहती, उस वास्ते क्या होती है कचरा डालने के लिए नहीं आ रही, तो उस क्या करते हमारे प्यारे नबी देखो उसके लिए दुआ करते। कौन तो ऐसा करते क्या बोलते, नहीं जब कचरा डाल रही है हमारे प्यारे नबी के ऊपर तो क्या करते, कोई क्या तो गलत काम करते क्या करते, उसे डांटते, मगर हमारे प्यारे नबी क्या करें उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। दुआ फरमाए जिसका असर ये हुआ कि औरत फौरन अपने आप पर ईमान ले आई। हमारे प्यारे नबी के इस अखलाक हुस्ना की वजह से औरत क्या हो गई, कहते दीन इस्लाम ने ईमान ला रही इस्लाम को कबूल कर रही। सलाम इस पर कि इसने जख्म खाकर फूल बरसाए। इतने जख्म देने के बावजूद भी हमारे प्यारे नबी क्या करते थे उनसे अच्छे तरीके से बात करते थे, इतना बड़ा दिल था अल्लाह ताला ने इतना सबर दिया था कि जख्म खाने के बाद भी सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं। इस तरह अहले मक्का के गलत रसूम व गलत फासदा को आपने अखलाक हुस्ना के जरिए खत्म कर दिया। इसी अखलाक हुस्ना की वजह से तमाम ताफ में क्या हो गया, दीन फैल गया। तमाम ताफ में क्या हो गया, खुद ब खुद इतना दीन फैला के आज भी क्या कर रहे हैं, इतना दीन फैला कि जब भी कोई हज को हाजी जाता है तो ताफ का सफर जरूर फरमाता है। अपने अखलाक हुस्ना के जरिए ख़त्म कर दिया। हिजर असद को नज़्ब करने के मौके पर सरदार इन मक्के आपस में दस्त गरीबा हुए, तो आप मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली के जरिए सबको शीर व शक्कर कर दिया। तो हिजर असद का वाक़िया सुनिए, हिजर असद क्या है, एक ऐसा एक अल्लाह ताला जन्नत से एक ऐसा पत्थर उतारे उसे हिजर असद कहते हैं, उसे बोसा देते हैं। जब भी कोई हज को जाता है हाजी तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम जब हज को गए थे तो इसे हिजर असद को बोसा देते, तो वो जब से लेकर आज तक अभी भी जो भी हाजी जाता है मकाबतुल्ला को वो क्या करते हैं बोसा देते हैं।
तो हिजरत सबका नस्ब करने के मौके पर सरदार इनको मक्के में वापस दस्ते गिरबा हुई। मतलब क्या, एक मरतबा मक्के में ऐसी जोरों की बारिश हुई तो ऐसा तूफान आ गया कि पूरा गांव क्या हो गया, तितर बितर हो गया। उसी वजह से उसी वक्त ही हिजरे वसवत भी क्या हो गया, पानी के बहाव से तूफान की वजह से वो भी क्या हो गया, अपने जगह से हट गया। तो हर कोई, तो उस वक्त दीन फैलने के बाद हर कोई क्या कर रहे, वो हिजरे सबको मैं साथ दे दूंगी इसको उठाने के लिए, इसकी जगह रखने के लिए। इनमें क्या हो गया, अब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कितने अच्छे आसान तरीके से ऐसा कर दिए कि हम सोच भी नहीं सकते। क्या कहते हैं हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम, पूरे जने ने हर कोई सौंप की नियत से अगर इसको हमें छुएंगे तो क्या होगा, हमारे पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे, पूरे गुनाह चले जाएंगे। इसी वजह से हर कोई हर किसी के दिल में मैं मदद करूँगा, तू मदद कर, हर कोई लड़े झगड़ा। तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, हर एक कबीले से एक एक सरदार को बुलाते हैं हिजरत अस्वद को उसकी जगह रखने के लिए। क्या करते हैं हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम हिजरत अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखने के लिए तमाम कबीलों से एक एक सरदार, यानी हर किसी को बराबर इंसाफ। इसी अखलाक हुस्ना की वजह से तमाम गाँव और कबीले के लोग क्या हो गए, शीर व शक्कर गए। उनके अखलाक हुस्ना की वजह से बहुत से लोग जो दीन इस्लाम को बोलने के लिए थे, बहुत से लोग दीन इस्लाम के पास दीन कबूल कर दिए। हर हीरा से इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा की में यानी कुरान मजीद हिदायत के लिए ले आए। तो हार हीरा क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम के लिए भेजे ताकि दुनिया वालों को बता सके सो तमाम बातें। तो पहले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बातें नहीं मालूम थी दीन की बातें, तो क्या करते हैं जादूगर गए, नहीं के पास ऐसा जादू है क्या है, तमाम लोगों को दीन की तरफ इस्लाम की तरफ ला दे। ये कैसा है ये, मतलब अल्लाह ताला जब नुस्खा कह रहे कुरान मजीद हमारे नबी के ऊपर उतारे, तो हमारे नबी क्या बोले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला को कुरान शरीफ में लिखे हुए कुरान मजीद में हिदायत के लिए ले आए ताकि उम्मत मुहम्मदिया सिरात मुस्तकीम पर चल सके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला इन्हें नेक रास्ते पर चलाने के लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद ले आए। तीसरे बंद में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक ऐसी थी कि जिस चीज़ को हाथ लगाते हो सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाती। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं हम, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि जब हमारे प्यारे नबी जब कोई चीज़ को हाथ लगाते सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाती। मतलब क्या है इसका, तो उस चीज़ की नहीं इसमें बरकत ऐसी हो जाती है कि जितना भी खर्च करो चलता ही रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाए। इस्लाम फैलने के बाद अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये सब क्या करें हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम सबको सिखाए। अहले अरब जो बरसों अपनी जहालत की वजह से अपने आप को रुसवा कर रहे थे, इनको तरीक़ा हयात सिखाया। तो अरब के जो बरसों से जहालत थी वहाँ पर, नहीं दीन क्या है मालूम नहीं, इस्लाम क्या है मालूम नहीं, नमाज क्या है मालूम नहीं, कुरान क्या पढ़ना मालूम नहीं, सच मालूम नहीं, झूठ मालूम नहीं, बस लड़ाई झगड़ा, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब आम था, रोज चलता था। जब हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अहले अरब जो बस अपनी जहालत की वजह से अपने आप को रुसवा कर रहे थे, इनको तरीक़ा हयात सिखाया। तो जिंदगी जीना मालूम नहीं, नहीं मिलजुल कर रहना मालूम नहीं, नेकी मालूम नहीं, नहीं सबके साथ अखलाक हुस्ना कैसा रहना मालूम नहीं, ये सब तरीक़ा सिखाए, कैसे जिंदगी जीना सिखाए, नेक रास्ते पर नेक रास्ता बताए। इनमें जो खौफ खतर वहम बदगुमानी पाई जाती थी इसको सफा हस्ती से ख़त्म कर दिया। अब किसी के अंदर किसी किस्म का डर बाकी न रहा, किसी से डरना नहीं, सिर्फ अल्लाह के अल्लाह से डरना है, किसी से डरना नहीं है। ये बात तमाम लोगों में के दिलों में डाल दी। चौथे बंद में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम सुनाए कि अल्लाह की ज़ात एक है, पाक व ऐब है, अल्लाह एक।